नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज the मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Univariate नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रोबेबिलिटी में भी हमने पढ़ा है प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में और उसका आइडिया आपको है उसी यूनिवेरिएट को अब हम जर्नलाइज करें मल्टीवेरिएट के अंदर टू फैक्टर्स के लिए टू वेरिएबल्स अगर हमने टू और मोर देन टू वेरिएबल्स कंसिडर करने हैं देन वी विल मूव टू दी मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तो so यूनिवेरिएट आप लोगों ने पहले पढ़ा है नाव हेयर

पी डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल एक्स तो मल्टीवेरियट हम पी डायमेंशनल के लिए चेक कर रहे हैं विद रेंडमेरिएट टू टू हैव मल्टीवेरियट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ एंड ओनली इफ एवरी लीनियर कंपाउंड ऑफ एक्स हैजनिवेरियट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी यूनिवेरियट को अब मैं आगे फर्दर लेके जा रही हूं मल्टीवेरियट के अंदर तो so यूनिवेरियट का ये पी डी एफ का आइडिया है आपको यहाँ पे आपको पता है कि उसके पैरामीटर्स हैं ये उसके पैरामीटर्स हैं है, और हमारे पास x इज़ अ रेंडम वेरिएबल नाउ दिस इज द मल्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अ रेंडम वैक्टर x इज सेट टू हैव अ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन क्या है इफ़ इट्स डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय दिस ये हमारे पास क्या है मल्टीवेरिएट का डेंसिटी फंक्शन अब आप देखो इस डेंसिटी फंक्शन में ये हमारे पास एक वैल्यू आ रही है के व के इज कॉन्स्टेंट के कॉन्स्टेंट है अब उसकी वैल्यू हमें डिटरमिन करनी होगी कि इस के की वैल्यू क्या है म्यू द मीन वैक्टर विच इज इक्वल्स टू पी इंटू वन वैक्टर ऑफ मीन्स एंड सिग्मा इज अ पी इंटू पी पॉजिटिव डेफिनेट वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स ये देखो आपके पास पी मल्टीवेरियव में आपके पास म्यू किसके इक्वल है जिसको हम कह रहे हैं पी क्रॉस वन इट मीन्स पी रोज एंड वन कॉलम दिस इज दी इंटू वन और सिग्मा वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है पी क्रॉस पी के इक्वल अब ये के की वैल्यू बेसिकली अब हमने इसमें क्या डिटर्मिन करना है द वैल्यू ऑफ के द वैल्यू ऑफ के इज डिटर्मेंट एज फॉलोज नॉ दिस इज द प्रॉपर्टी वी नो दैट यूजिंग द प्रॉपर्टी ये आप देखो ये इंटीग्रल है यूनिवेरियट में हम जस्ट वन इंटीग्रल ले रहे हैं बिकॉज दिस इज मल्टीवेरिएट केस, सो आई वेरी लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी इंटीग्रल के ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू वन वी नो दैट दोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कव विच इज इक्वल टू वन सबसे पहले हमने उसका पी डी एफ फाइन करना है तो पी डी एफ की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कव वन के इक्वल होना सो so, इंटीग्रल हमने लिया माइनस इन्फिनी टू इन्फिनीटी के टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस अब ये हमारे पास फैक्टर कहाँ से है अभी प्रीवियस देखो ये आपके पास है ना एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस वैल्यू तो यहाँ हमने इसको फर्दर एंटर किया सो so, क्योंकि के एज इट इज़ है वो पी डी हमारे पास डेंसिटी फंक्शन गिवन है डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू हमने कर ली डी एक्स डी एक्स यानी हमने फर्स्ट के लिए तो एक्स एक्स वन एक्स टू अपू सो ऑन एक्स पी विच इज इक्वल टू वन ठीक है देन देन हमारे पास क्या है के अब ये के हमने क्या किया इक्वालिटी के उधर वन है तो के हमारे पास इक्वालिटी के वहां पे जाएगा यहां मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहां पे डिवाइड में आ गया दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर वन अब आप देखो सेंस हमने क्या किया नेक्स्ट सिग्मा इनवर्स दिस इज दिग्मा इनवर्स वैल्यू विच इज इक्वल्स टू ए इज अ पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक मेट्रिक्स दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक मेट्रिक्स ये हमारे पास प्रॉपर्टी है पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स की देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है ऑल द डिटर्मिनेंट्स विच इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए ऑफ मैट्रिक्स सी सच दैट सी प्राइम ए सी विच इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पॉजिटिव डेफिनेट सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना फाइंड द डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट हमने ले लिया डिटर्मिनेंट हमारे पास वन के इक्वल होता है फर्दर हमने इसको किया तो डिटर्मिनेंट वन के इक्वल है ना हेयर लेट लेट क्या कर रहे हैं हम एक्स माइनस म्यू ये जो आपके पास टर्म है एक्सपोनशियल के अंदर ये जो टर्म है एक्स माइनस म्यू सो लेट एक्स माइनस म्यू विच इज इक्वल्स टू सी वाई सी हमारे पास नॉन सिंगुलर मेट्रिक्स है सी वाई यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है हमने x माइनस म्यू वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर दिया है नेक्स्ट न्यू वेरिएबल विच इज इक्वल्स टू y एंड c इज़ दी नॉन सिंगुलर मेट्रिक्स यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की है x की वैल्यू हमारे पास आ गई x विच इज इक्वल्स टू सी वाई प्लस म्यू अब हमारे पास ये है x के साथ हमारे पास इसका हमने फर्दर क्या करना है जे मॉडल जे मीन्स यहाँ पे आपके पास है जिकोबियन ऑल्सो जे मॉडल एस अब हम कैसे निकालेंगे यानी जे डिटर्मिनेंट हमने कैसे निकालना है यहाँ पे जिकोबियन विच इज़ इक्वल्स टू मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ करली एक्स ओवर कर्ली वाई यानी कि यहाँ पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं सिंगल के लिए आपको पता है सिंगल वेरिएबल के लिए हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं टू और मोर देन टू वेरिएबल्स जब हमारे पास डेटा में आ जाए या हमारे पास टू और मोर देन टू वेरिएबल्स की हमने अगर मैथमेटिक्स देखनी है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम थ्रू जुकोबियन के साथ ना हेयर इज दुकोबियन मॉड ऑफ करली एक्स ओवर करली वाई है मॉड करली यहां पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है अभी हमने लेट किया एक्स इज इक्वल टू सी वाई प्लस म्यू इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड फॉर द अबव ट्रांसफॉर्मेशन जुकोबियन विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी अब यहां पे आप देखो इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो वाई के साथ सी इन्वॉल्व है इसका हमने जब डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास y1 हो गया और हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ c अब मॉड का वर्ड क्यों आया है मॉड का वर्ड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हम उसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू डिटर्मिनेंट की हम पॉजिटिव वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं तो इस वजह से हमने यहाँ पे मॉड का वर्ड यूज़ किया ना ये अब आप देखो ये जो एक्सपोनेंशियल के अंदर हमारे पास ये जो टर्म्स आ रही है एक्सपोनेंशियल में इसको फर्दर क्या लिखा है एक्स माइनस म्यू ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स माइनस म्यू अब एक्स माइनस म्यू हमारे पास लेट किया है किसके इक्वल है सी वाई ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स सिग्मा इनवर्स हमारे पास क्या आ रहा है सिग्मा इनवर्स विच इज इक्वल टू ए ए के इक्वल है देन हमारे पास एक्स माइनस म्यू विच इज इक्वल टू सी वाई अब यहाँ से आपको पता है यहाँ हमने क्या कहा सी प्राइम ए सी किसकेक्वल हो गया सी प्राइम ए सी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मेट्रिक्स ठीक है ये तो आइडेंटिटी के इक्वल हो गया सो वाई प्राइम वाई हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या हो गया इस पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल के अंदर के पार्ट का वाई प्राइम वाई सो इक्वेशन वन बिकम्स अब जो हमारे पास इक्वेशन वन थी इक्वेशन वन में आपके पास ये आ रहा था जहाँ पे हमने वन ओवर के लिए दिस इज द इक्वेशन वन अब इक्वेशन वन के अंदर हम वो वैल्यूज पुट करेंगे ना लिमिट माइनस इन्फिनेटी टू इन्फिनी अप टू सो ऑन एक्सपोनेंशियल माइनस वन बाई टू और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेसिकली y प्राइम y और ये जो उसके साथ d ऑफ x था d ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई मॉड ऑफ c डिटर्मिनेंट y1 y2 अप टू सो ऑन वाई पी क्योंकि ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू है तो अब नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास क्या हो गया ट्रांसफॉर्म वेरिएबल y विच इज इक्वल्स टू वन ओवर के ही मॉड ऑफ सी इसको इंटीग्रल से बाय ले लिया है देन ये इंटीग्रल की वैल्यूज आ गई हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस इसको हम फर्दर और कैसे लिख रहे हैं y प्राइम y क्योंकि ये आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई है y प्राइम y विच इज इक्वल्स टू स्केयर फॉर्म है सम i वेरी इज वन टू पी वाई आई स्केयर हमने इसे लिखा है और ये टर्म एज इट इज हो गई है विच इज इक्वल्स टू वन ओवर केयर अब हम सारे इंटीग्रल को एज इट इज लेके जाएँ तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं दिस इज इक्वल्स टू पाए पाए आई वेरी इज वन टू पी कैपिटल पाए है, है यानी कि ये प्रोडक्ट है ये भी देखो ना सारा प्रोडक्ट है तो हम उसको वन टाइम लिख रहे हैं पाए के हमने अंदर उसको ले लिया पाए आई वेरीज वन टू पी इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी यानी आप ये वाला इंटीग्रल लिखो या हम उसको प्रोडक्ट आम पाए में लेके जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल इसको हमने क्या किया एक्सपोनेंशियल आपके पास था उसकी ई की पावर माइनस वाई ओवर डी वाई वन ओवर के अब वी नो दैट कि ये इंटीग्रल ये जो आपके पास ये इंटीग्रल है इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास क्या होती है लेमडा टू पाए स्केयर रूट ये हमारे पास किसके इक्वल है इसको आप इसका इंटीग्रल लो इंटीग्रल लेने के बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेट है इंटीग्रेट करने के बाद सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट आ रहा है टू पाए स्केयर रूट यानी कि अब इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू एंटर करनी है सो इक्वेशन टू बिकम्स मॉड ऑफ सी पाए इंटू टू पाए रूट विच इज इक्वल्स टू वन ओवर के तो मॉड ऑफ सी अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर लो ना इसको हमने अब ये इसका पाई की वैल्यू हटाएंगे ये पाई की वैल्यू अगर हम इसको पाई की वैल्यू को देखेंगे तो क्या हो गया टू पाई ये अंडर रूट में वन ओवर टू था तो जब पाई कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी पावर क्या होगी पी बाय टू यहाँ से क्योंकि ये आपके पास आता है टू पाई की पावर वन बाय टू तो साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये टू पाई की पावर आ गया पी बाय टू टू फाइंड मॉड सी अब मॉड सी की वैल्यू पे हमें चाहिए मॉड सी की वैल्यू किसके इक्वल है सो सी प्राइम ए सी विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी और जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं विच इज इक्वल टू वन अब इसका हमने डिटर्मिनेंट अलग अलग कर लिया विच इज इक्वल टू वन सी प्राइम सी सी डिटर्मिनेंट स्क्र हो गया ए एज इट इज एम सो सी स्क्र विच इज इक्वल्स टू ए यहाँ पे आपके पास क्या हो गया ये आप देखो इसको इक्वालिटी के इधर ले आए हैं हम ए डिटर्मिनेंट को तो वन से ही नीचे डिवाइड होगा डिवाइड को हम ऊपर लेके आए तो ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड को ऊपर ले आए हैं तो सी स्क्र विच इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट माइनस वन सो मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ सी हमारे पास किसके इक्वल हो गया ए की पावर माइनस वन बाई टू अब माइनस वन बाई टू क्या यहाँ पे आपने उसका स्क्यर रूट लिया है जब हम इसका स्केयर रूट ले रहे हैं तो आ गया माइनस वन बाई टू स्केयर टाइम हट गए

मॉड ऑफ सी टू पाए ये वैल्यू थी ना अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी के हमारे पास किसके इक्वल हो गया मॉड ऑफ सी टू पाए पी बाय टू ठीक है ना सो so, के अब आपके पास के किसके इक्वल हो गया यहाँ पे हमने ले ली टू पाए माइनस पी बाय टू डिटर्मिनेंट ऑफ सिगमा माइनस वन ये के की वैल्यू मैं उस पी में जो हमारे पास जर्नल थी जहाँ पे कॉन्स्टेंट की हम वैल्यू एंटर कर रहे थे वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दिए तो फाइनल मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये हमारे पास पीडीएफ आ गया टू पाई माइनस पी बाय टू सेगमा डिटर्मिनेंट माइनस वन बाय टू एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस वैल्यू